Good morning students. In the previous video we have studied about the terminals. Okay, so वहाँ पर हमने articles, determiners के जो type हैं, there are types of determiners. हमने articles पढ़े थे और possessives, determiners, उसके बाद quantifiers पढ़े थे. Quantifiers में हम ये सारे पढ़ रहे थे जो पिछले video में मैंने आपको some any, much many का बता दिया था. Demonstratives भी हम पढ़ चुके थे. तो उन्हीं में से जो कुछ इम्पोर्टेंट रह गए थे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं उनमें से एक यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने है. लिटिल आ लिटिल द लिटिल फ्यू आ फ्यू द फ्यू का यूज़. ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से लिटिल आ लिटिल फ्यू आ फ्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ हम द लिटिल और द फ्यू को भी पढ़ा देना चाहते हैं ताकि इसके भी बारे में आपको नॉलेज हो जाए. ठीक है, और जो 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं वो भी इन्हें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि लिटिल एंड फ्यू, अ लिटिल एंड अ फ्यू, द लिटिल एंड द फ्यू, इनमें डिफरेंस क्या है. यहाँ पे ओनली लिटिल है विदाउट एनी आर्टिकल, यहाँ पे एक इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज है, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज है. कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है दैट लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल कैन बी यूज ओनली विद अनकाउंटेबल नाउन्स. The nouns that cannot be counted, उनके पहले हमें little, a little, the little का use करना है, okay? And the nouns which are countable, they can be counted, okay? So उनके पहले हम few, a few, the few का use करेंगे. It's very simple. There is no any problem. There is not any problem. जैसे कि much और many में आपने समझा था, much का uncountable के पहले use करते थे और many का हम countable plural nouns के पहले use करते थे. तो in the same way आपको ये देख लेना है. सबसे पहले तो आप इसका screenshot ले लीजिए. ठीक है, अब ये देखिए कि little और few का मतलब होता है no, यानी ना के बराबर. आपने कभी सुना होगा stages पे और जब बोलते हैं लोग तो कहते हैं कि sir please come and say few words, है ना, तो वो गलत है. say few words मतलब होता है सर आए और कुछ नहीं कहें. say a few words सही होगा. ठीक है, मैं ग्रामेटिकली आपको बता रहा हूँ करेक्ट, क्योंकि कई ऐसी रोजमर्रा की जिंदगी में भी गलतियां होती रहती हैं ना जानते हुए भी, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ. ऐसे नहीं बोलना चाहिए. फ्यू और लिटिल का मतलब होता है नो, यानी ना के बराबर. तो हम कैसे कह सकते हैं कि सर से फ्यू वर्ड्स, से अ फ्यू वर्ड. अ फ्यू और अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा कुछ, समझ रहे हैं आप. यानी नो के मतलब हो गया नहीं के बराबर. ये एक बॉटल रखी है, एक मिनट, ये देखिए आप, ये मेरे पास एक बॉटल है और इसमें, इस बॉटल में जो पानी है, वाटर है, ये अनकाउंटेबल है. वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते. अब इस बॉटल में पानी बिल्कुल भी ना हो, यानी मैं इसको ढक्कन खोल के इसका पूरा पानी फैला देता हूं तो ये बोतल हो जाती है खाली. फिर हम कह सकते हैं देयर इज लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, क्योंकि पानी है नहीं और लिटिल मतलब ना के बराबर. देयर इज लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, यानी पानी नहीं है. समझ रहे हैं आप, समझिएगा. अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा. अभी देखिए थोड़ा सा पानी इसमें है, इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं. तो कहेंगे देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, क्योंकि थोड़ा सा तो है, प्यास बुझाने लायक है. दो घूंट भी है, चार घूंट है, पांच घूंट है, दो लोग पानी पी सकते हैं, तीन लोग भी, समझ रहे हैं. लेकिन बॉटल फुल नहीं है, समझ रहे हैं आप. इतना 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 तो अ लिटिल में आएगा. द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा सा, यानी इसमें पानी थोड़ा सा है लेकिन पूरा, सम बट द होल, यानी फुल भरी है बॉटल. तो द लिटिल वाटर, There is the little water in the bottle. The little मतलब जितना उसमें हो सकता है उतना पूरा है, तो हम कहेंगे the little. अभी आप few को ले लीजिए, समझ रहे हैं. जैसे आज मैं यहां पे पढ़ाने आया हूं, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है, तो मैं कहूंगा देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्योंकि कोई है ही नहीं क्लास में, कोई नहीं है ना के बराबर स्टूडेंट है, कोई है नहीं, तो मैं कहूंगा देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास. लेकिन मेरी क्लास में रोज 10 बच्चे आते हैं, 10 स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन उनमें से आज दो आए हैं, तीन आए हैं, चार आए हैं, तो देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, क्योंकि दो तीन चार बच्चे आए हैं, पांच बच्चे आए हैं, तो अ फ्यू थोड़े बहुत कुछ बच्चे आए हैं. और किसी दिन पूरे के पूरे बच्चे आ गए, 10 में से 10 आ गए, तो देयर आर द फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास. सो दैट इज वेरी सिंपल. अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको लिटिल आ लिटिल द लिटिल का यूज करना है, काउंटेबल नाउन के साथ आपको फ्यू आ फ्यू द फ्यू का यूज करना है. कई बार ऑप्शन ऐसा आता है जिसमें लिटिल फ्यू दोनों आ जाते हैं करने को, तो बहुत इजी हो जाता है. आप पहले ये पहचान लीजिए कि वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है. अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू के एग्जांपल सारे हटा दिए, हटा दीजिए ऑप्शन,
केवल लिटिल में से आएगा। अगर वो काउंटेबल ना हो ना तो लिटिल वाले ऑप्शन हटा दो, फिर तो वो फ्यू में से आएगा। और इस तरीके से आपको बहुत ईजी हो जाएगा। हम कुछ एग्जाम्पल यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ओके, आते हैं। ओके गाइस, सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ लिटिल एंड फ्यू डिटरमिनर्स। द टीचर वेंट बैक बिकॉज ब्लैंक स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट हैव टू रीड द होल सेंटेंस और कॉमन सेंस का यूज करिए कि वहां पर क्या हो सकता है। सबसे पहले ब्लैंक के बाद जो नाउन है स्टूडेंट्स, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अगर ये अनकाउंटेबल है तो लिटिल वाली सीरीज आएगी, लिटिल आ लिटिल द लिटिल, और अगर ये काउंटेबल है तो फ्यू वाली सीरीज आएगी। तो स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है, ओके। एग्जाम्पल है, सॉरी ऑप्शन है फ्यू, लिटिल और आ फ्यू। अब स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि लिटिल नहीं आएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल के साथ यूज किया जाता है। तो आएगा क्या, फ्यू या फिर आ फ्यू, ओके। टीचर बेंट बैक, टीचर वापस चला गया बिकॉज, क्योंकि स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट थे। टीचर वापस कब जाएगा, जब कोई बच्चा नहीं आएगा। और फ्यू का मतलब होता है नो, यानी हो गया फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मतलब नो स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, कोई स्टूडेंट ही प्रेजेंट नहीं था। फ्यू का मतलब क्या बताया था, नो। तो टीचर वापस इसलिए चला गया क्योंकि कोई बच्चा नहीं आया था, नो स्टूडेंट वर प्रेजेंट टुडे या दैट डे, ठीक है। अब देखिए, आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है, मैं प्यासा हूं। कैन आई हैव डैश वॉटर प्लीज। वॉटर काउंटेबल है अनकाउंटेबल? वेरी सिंपल, अनकाउंटेबल। वॉटर को काउंट नहीं कर सकते। मैंने बताया था आपको कि जब हम किसी चीज को एक दो तीन करके काउंट करें तो वो काउंटेबल मानी जाएगी, और जिस चीज को एक दो तीन करके काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। पानी एक दो तीन करके नहीं बोल सकते अपन, है ना, कि एक पानी दो पानी, तो अनकाउंटेबल में आ गया। अब अनकाउंटेबल के साथ यूज क्या होगा, लिटिल वाली सीरीज, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मैं यहां पर दे देता हूं, आ फ्यू आ लिटिल, और कर देते हैं द फ्यू, आ फ्यू आ लिटिल द फ्यू में से कुछ करना। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। कैन आई हैव, क्या मुझे मिल सकता है वॉटर प्लीज, तो क्या कहेगा वो, उसको प्यास लग रही है तो वो ये कहेगा कि मुझे पानी नहीं चाहिए, तो लिटिल और फ्यू तो आएगा नहीं, वॉटर है अनकाउंटेबल आएगा, तो लिटिल वाली सीरीज का यूज करेंगे, तो उसको थोड़ा सा पानी चाहिए ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके, और थोड़े से पानी के लिए आ लिटिल जो बीच में दिया है, आ लिटिल वॉटर प्लीज, तो ये आ जाएगा आपका, है ना। बाकी के दो ऑप्शन है फ्यू द फ्यू, तो ये हो गए काउंटेबल वाले। ये देखिए, आई हैव स्पेंट, है ना, खर्च कर दिया है, डैश मनी पैसा, दैट आई हैड जो मेरे पास था, यानी मैंने वो पैसा खर्च कर दिया जो मेरे पास था। अब नाउ आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, समझ रहे हैं आप, मतलब उसके पास जो पैसा था उसने पूरा खर्च कर दिया। मेरे पास पर्स में 10 रुपए पड़े हैं या 20 रुपए पड़े हैं या 50 रुपए पड़े हैं, जितने भी हैं मैंने सारे खर्च कर दिए, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो क्या आएगा, थोड़ा सही पर पूरा, है ना, 15 रुपए हैं लेकिन कम है लेकिन पूरे खर्च कर दिए। तो मनी क्या है, यहाँ पे अनकाउंटेबल में आएगा, ठीक है। उस दिन मैंने जब मच और मैनी के बारे में बताया था तो ये कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया था कि मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। काउंट किस चीज को करते हैं, करेंसी को काउंट करते हैं, मनी को काउंट नहीं कर सकते, करेंसी काउंट की जाती है। तो यहां पे आ जाएगा द लिटिल, आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई हैड, मैंने वो पैसा खर्च कर दिया, सारा पैसा जो मेरे पास था, कम था, पूरा का पूरा पैसा मैंने खर्च कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सेव कर लेना। सो अब हम आगे पढ़ेंगे एक और डिटरमिनर्स के बारे में। ईच एंड एवरी, ओके, ईच एंड एवरी का मतलब मैं यहां पे बता दूं, वैसे इसका मतलब, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब हर कोई, लेकिन इसके यूज के बारे में सुनिए आप। ईच का यूज हम इंडिविजुअली लोगों को दर्शाने के लिए करते हैं, इंडिविजुअली, जैसे मैंने कहा
एक क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं 10 15 20 जितने भी हैं, तो ईच मतलब हर स्टूडेंट के बारे में बात चल रही है यहां पे कि ईच स्टूडेंट शुड हैव यूनिफॉर्म, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म. तो ईच स्टूडेंट शुड हैव, ईच का मतलब मैं लिख दे रहा हूं प्रत्येक, ठीक है. एवरी का मतलब हर कोई, इस तरीके से समझना. एवरी में आ जाएगा पूरी क्लास. एवरी क्या है, ग्रुप को डिनोट करता है, और ईच करता है इंडिविजुअली पर्सन को, और एवरी करता है एक ग्रुप को जिसमें 10 लोग हों, 15 लोग हों, 20 लोग हों, तो एक ग्रुप को डिनोट करेगा उस ग्रुप का हर कोई बंदा, और ईच में क्या हो जाएगा अलग अलग सेपरेटली. समझ रहे आप, ये बहुत आसान है. Each boy must wear clean uniform. मतलब separately हर एक boy, हर एक student जो boy है उसके लिए बोला जा रहा है कि each boy, individually each boy must wear clean uniform. Every का use करके हम बोल सकते हैं like everybody is not honest here. समझ रहे हैं, एवरीबडी इज नॉट ऑनेस्ट हेयर, मतलब एक ग्रुप में जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, वहां पे जितने भी ग्रुप में लोग हैं, ओके, उन सभी के लिए बोला जा रहा है कि एवरीबडी, इंडिविजुअली नहीं बोल रहा है, इंडिविजुअली के लिए ईच का यूज करते हैं, बाकी ग्रुप के लिए बोलेंगे एवरीबडी, एवरी का यूज करेंगे. तो मैंने लगा एवरीबॉडी इज नॉट ऑनेस्ट हियर, यहां पर हर कोई ऑनेस्ट नहीं है, सारे लोगों को लेकर के बोल दिया, और यहां पर इंडिविजुअली बोल दिया कि प्रत्येक बच्चे को क्लीन यूनिफॉर्म जरूरी है. 10 हैं तो 10 को एक एक करके मैंने कहा ईच में, अब बहुत आसान तरीके समझा रहा हूं, 10 बच्चे बैठे तो ईच बच्चे में, ईच स्टूडेंट में टॉफी बांट दो. तो मैं गया एक इसको दी, बर्थडे पे देते ना ऐसे ऐसे करके सबको बांट दी, इंडिविजुअली बांटी ना. फिर मैंने कहा ईच में नहीं बांटो, मैंने कहा एवरी वन में बांट दो. तो मैंने 10 टॉफी लेके ऐसे कर दी और बस एवरी वन में बट गई, फिर सेपरेटली नहीं बटी ना, फिर ग्रुप में बटी ना. तो यही तरीका है ईच और एवरी में. ओके okay?